हाँ एक मिनट। कर्मा एक बहुत अच्छी मूवी है जिसको आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें एक स्टोरी है, एक मैसेज है, एक यूनिकनेस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। एक थ्रिलर भी मिलेगा, एक अच्छी स्टोरी मिलेगी जो इंस्पायर्ड करती है, जो लास्ट में एक मैसेज देती है। और लोगों को लग रहा है कि ये सब सिर्फ एडल्ट मूवी है, तो सिर्फ एडल्ट नहीं है। इसके गाने भले ही हॉट है, लेकिन स्टोरी बहुत क्लीन है और बहुत अच्छी है। एक नई पूनम पांडे के रूप में एक नया अवतार आपको इसमें दिखेगा। सर, काफ़ी गाने इससे पहले आपने गाए ऑलरेडी। कर्मा तक का सफ़र आपका कैसा रहा और कर्मा तक कैसे पहुँचे, कुछ उस पर रोशनी डालेंगे? हाँ, इससे पहले मैंने कुछ एल्बम्स की थी जिनके मैं 2 साल पहले मुंबई शिफ्ट हुआ था, तो उसके बाद मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। मुझे एक दो छोटे गाने से करने के बाद मुझे फिर एक गाना बड़ा मिला, यूनिसिस से मैंने गाना किया। उसके बाद मैंने एक गाना टी सीरीज से किया जो काफ़ी हिट रहा, काफ़ी वायरल रहा। 13-14 मिलियंस आई गेस उस पर हो चुके हैं, तो जिसके थ्रू शायद मुझे राकेश सब्रवाल सर ने मुझे बुलाया अपने ऑफिस, और उन्होंने मेरा काम देखा। मुझे मेरा काम उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने प्रॉमिस किया मुझे कि हम साथ में कुछ काम करते हैं। तो मुझे वैसे ही लगा जैसे सब लोग मुंबई में बोलते हैं कि भाई काम मूवी दे रहे हैं आपको और मूवी दे रहे हैं आपको, तो ऐसे सब बोलते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। तो मुझे वो भी ऐसे ही लगा कि ऐसे ही होगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने फिर कुछ दिन बाद मुझे फिर से बुलाया, तो तब जाके मैं उनके साथ बैठा। फिर उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, तो काफ़ी हद तक मैं थोड़ा सा सीरियस होने लगा कि हाँ शायद कुछ बात बन रही है। लेकिन तभी भी मैंने वो चीज़ मजाक में इसलिए ली क्योंकि तब तक पेमेंट नहीं आती, चेक नहीं मिलता, तो शायद वो चीज़ कन्फर्म नहीं होती। तो फाइनली मुझे मेरी फर्स्ट पेमेंट मिली, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे फाइनली मूवी मिल गई। उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, मैंने स्टोरी पे काम किया, उस जो सिचुएशन उन्होंने बताई मैंने उस पे गाने लिखे, और वो गाने मैंने स्क्रैच बनाए। सर को बहुत अच्छे लगे वो गाने, बहुत एक ही बार में लॉक हो गए, तो फिर काम स्टार्ट हो गया। सर, इतना बड़ा नाम बॉलीवुड लेजेंड शक्ति कपूर जी के साथ आपने हाँ काम किया है, तो जब आपको पता लगा कि उनके साथ काम करने जा रहे हैं, तो वो मोमेंट कैसा था? मतलब नर्वस थे या बहुत एक्साइटेड थे, वो शेयर करेंगे? जब स्टोरी मुझे सुनाई गई थी तब तक ना मूवी का कोई टाइटल था ना मूवी का कोई स्टार कास्ट थे, तो मुझे नहीं पता था कि तब तक कौन आने वाला है। बट उसके बाद जब मैंने एक गाना बना दिया, मुझे पता चला कि मूवी में शक्ति कपूर जी होने वाले हैं, पूनम पांडे होने वाली हैं, तो आई वॉज़ सो मच एक्साइटेड, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं उन लेजेंडरी स्टार्स के साथ में काम कर रहा हूँ जो बचपन से लोग जिनको देखते आ रहे हैं, उनकी कॉमेडी को, एक्टिंग को, मीन सब फैंस हैं उनके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फाइनली मैंने ऐसा काम किया कि शक्ति कपूर जी ने अभी लास्ट एक मेरी लॉन्चिंग पे, म्यूज़िक लॉन्चिंग पे, वो मुझे इतना नहीं जानते थे बट मेरे काम से वो मुझे बहुत जानने लगे सब लोग। तो शक्ति कपूर जी ने बहुत मेरी तारीफ़ की है, आपने शायद देखा भी होगा, तो मुझे तब बहुत अच्छा लगा कि हाँ फाइनली आई डिड इट, मैंने जो मेहनत की थी मुझे मेरी वसूल हो गई है। पर्सनली पूनम पांडे जी भी बहुत मेरी तारीफ़ करती रहती हैं, वो बताती रहती हैं सब सबको आपके गाने बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा काम सबको पसंद आ रहा है। सर, द जर्नी ऑफ कर्मा में कितने सॉन्ग्स हैं और आपने कितने गाने गाए? टाइटल सॉन्ग आपका है या क्या, कुछ उसके बारे में बताइए। गाने में मैंने इस मूवी में 3 गाने गाए, मतलब 3 गाने दिए हैं जिसमें से 2 गाने मैंने गाए हैं। एक गाना फीमेल है तो वो लैला शर्मा ने गाया है, उसका म्यूज़िक लिरिक्स कंपोजिशन मैंने किया है। एक गाना शुगर बिस्किट है, एक गाना मौला मेरे है, मौला मेरे में मेल गाना है वो पूरा, वो मैंने ही गाया है पूरा, उसका म्यूज़िक लिरिक्स कंपोजिशन मैंने किया है। शुगर बिस्किट मेरे साथ लैला शर्मा है, ड्यूट है, तो वो भी गाना बहुत फेमस हो रहा है अभी के टाइम पे, तो ये सब 3 गाने मैंने किए हैं। सर, एक एक लाइन दोनों तीनों गाने गुनगुनाएंगे, एक एक लाइन बस प्लीज़। सबसे पहले गाना है शुगर बिस्किट जो रिलीज़ हुआ था, मैं उस गाने की लाइन्स गुनगुना देता हूँ। अग्नि शुगर बिस्किट, किस मी शुगर बिस्किट, बी माई शुगर बिस्किट, मेरा माहिया।
ये तो शुगर बिस्किट था। उसके बाद फिर गाना आया मौला मेरे। मौला मेरे एक अलग ही जोन का गाना है, वो बहुत सैड है और बहुत अच्छा, एक दिल को छूने वाला ट्रैक है, तो वो गाना मैं गा देता हूँ। मौला मेरे मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। तो ये गाना जब आप सुनोगे आपको अलग ही चीज़ फील होगी, तो बहुत अच्छा गाना है। तीसरा गाना है आओ ना, पास आओ मेरे, बैठ जाओ मेरी गोद में, छू लूंगी जुगर तुम्हें तो आओगे ना होश में। ये फीमेल गाना है। तो तीनों गाने जब आप सुनेंगे बहुत अच्छे, एकदम कॉजी नंबर, सैड नंबर, एक रोमांटिक सेंसेशनल जिसको बोलते हैं, तो सब उसमें मिलेंगे आपको। थैंक यू, थैंक यू सर। एक विजुअल।